हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे कुकिंग चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बैगन का सब्जी। बहुत ही मजेदार रेसिपी, एक अलग टाइप से बैगन का सब्जी बनी हुई मैं। जो लोग बैगन नहीं खाते हैं वो लोग भी खाते रहेगी इस टाइप से बनाने से। सो फ्रेंड्स, वीडियो का लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए और देखना और साथ में रहना। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाने स्टार्ट करें। मैंने यहाँ पर 4 बैगन लिया हूँ, छोटा साइज के यानी कि मीडियम साइज के। इस तरह से बैगन लेना है। सो 4 बैगन का मैंने इस तरीके से 4 भागों की पीस किया हुआ है। देखिए इस तरीके से पीस करना है और देखना भी है अंदर कीड़ा है कि नहीं, वो भी देखना है। देखकर पर मैंने इस तरीके से 4 बैगन को भी पीस करके ले लिया। अभी इसमें ले रहा हूँ मैं सॉल्ट लिया हूँ, और ये है आमजोर का पाउडर। ये मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है और खुद भी बना सकते हैं। ये लिया हूँ 1 टीस्पून, और ये है टर्मेरिक 1 टीस्पून। बस तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके इसी में अभी बैगन में देना है। बैगन फिर कैसे देना है इस तरीके से, पहले एक बागों को इस तरह करना है और अगले टाइप पे इस तरह करके सब बैगन को मैंने इस तरीके से लगा के ले लिया। इसके बाद उसे मैं अभी लगाने के बाद इसे अभी एक साइड पे रख देती हूँ। अब अगले स्टेप करनी है। यहाँ पे मैं एक टेक करके ले लिया पैंट, इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ। ये है कोरिएंडर सीड और ये है कुमिन सीड, इलायची, 4-5 इलायची, इसे एक साथ अभी थोड़ा सा फ्राई करके लेना है। थोड़ा सा फ्राई करनी है ये, जब तक थोड़ा सा कलर नहीं आ जाते तब तक ये सिर्फ इस तरीके से चलाते हुए फ्राई करनी है। अभी गैस बंद कर दिया, अभी भी पैन गर्म है, तो इसमें मैं थोड़ा सा तेल ऐड करके इसमें फ्राई करके ले ले रही हूँ। चाहे तो आप लोग यहाँ पे मूंगफली भी दे सकते हो। हाँ जी, फ्राई हो चुका है बिल्कुल। अभी मैं इसे ग्रेटेड में ग्रेट करके ले लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है एक पैन टेक करके उसमें मैं ऑयल ऐड कर दिया। फिर से इसमें ऑयल हीट होने के बाद अभी सब बैगन को मैंने जो मिक्स करके बैगन को एक साइड पे रखा था वो बैगन को मैं अभी फ्राई करके ले लेंगे। बैगन फ्राई करने में 10-15 मिनट तक लग जाएगा। ये देखिए बैगन अच्छे से सुंदर से कलर भी आ गया। बैगन और बैगन भी फ्राई हो चुका है, इसे मैं अभी एक प्लेट पर रिमूव करके ले रहा हूँ। बस हो गया, आधा रेसिपी तो बन गया। सो अभी फिर से मैं हो चुका है, तो फिर से मैं अभी कढ़ाई बैठा के यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया। अभी इसमें 1/2 टीस्पून कुमिन सीड दे दिया, और ये है ऑनियन 1 ऑनियन बड़ा साइज के मैंने इस साइज से करके पीस करके ले लिया। तो इसे मैं अभी फ्राई करने जा रही हूँ। ऑनियन जब तक कलर ना सुनहरी कलर का ना आ जाए तब तक ये हाई फ्लेम में करके थोड़ा सा कलर करके फ्राई करके लेना है। फ्राई हो चुका है मेरी प्याज ऑलरेडी। अभी इसमें मैं ऐड कर दिया जो मैंने ग्रेट करके रखा है 3 चीज़ों को, उसे दे दिया ऐड करके। और ये है सॉल्ट टेस्टी के अंदर यानी कि आपने छुआ समोसा टर्मेरिक पाउडर 1 टीस्पून और रेड चिल्ली पाउडर यानी कि काश्मीरी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, थ्री ग्रीन चिल्ली लिया हूँ, उसमें इस तरीके से 2 भागों के करके इसमें ऐड किया हूँ। बस सब चीज़ों को अभी एक साथ अच्छे से मिक्स करके लेना है, मिक्स करके फ्राई करनी है। फ्राई कर गैस को लो फ्लेम में करके इस तरीके से फ्राई करके लेना है 5-7 मिनट तक। और ये है जिंजर और गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ऐड करके लिया,
उसके लिए ऐड करने सब चीज़ों को अभी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से फ्राई करके लेना है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स करके इसे फ्राई करके लेनी है। फ्राई हो चुका है ऑलरेडी, तो इसमें मैं अभी और एक चीज़ ऐड करनी है, ये है दही। दही दही 1 ग्राम वो 100 ग्राम 100 ग्राम लिया हूँ मैं। यहाँ पे 100 ग्राम दही को मैंने ऐड कर दिया ऑलरेडी। करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है, मिक्स करके इसे बॉयल करनी है। ये जल ना जाए इसलिए पास में खड़ी होगी, इस तरह से सलटी हुई इसे पका के लेना है। देखिए हो चुका है, और इसमें मैं अभी आधा ग्लास पानी ऐड करके ले लिया। आधा ग्लास पानी ही ऐड करनी है, ज़्यादा पानी देने से ये अच्छे नहीं बनेगा। सो इसे मैं अभी हाई फ्लेम में करके थोड़ा उबल के लेना है। जब तक उबल ना ले तब तक यहाँ पे बैगन को ऐड नहीं करना है, ऑलरेडी उबल चुका है मेरी। तो इसमें मैं अभी बैगन को ऐड करके ले रहा हूँ। 4 बैगन को मैंने ऐड करके ऑलरेडी ले चुका हूँ। अभी इसमें मैं अभी ऊपर में एक स्पॉन्ज से यानी कि चामिच से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर में देना है, ये अंदर तक फ्लेवर जाना है, तो इसलिए इसे इस तरीके से करके देना है। इसे मैं अभी एक प्लेट से बांध करके रखना है 10 या 12 मिनट के लिए गैस को लो फ्लेम में करके, और 10 मिनट के बाद इसे गैस को बंद करके देना है। 2 मिनट के बाद ही खुलने हैं प्लेट को। वाओ कितना फ्लेवर आ गया सुंदर से। और रेसिपी को और भी ज़्यादा टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने कोरिएंडर लीव्स, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स दिया हुआ ऐड करके ऊपर ऊपर करके इस तरीके से। तो कैसे लगा आप लोगों को गाइस मेरी रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो जरूर बनता है, और अभी भी आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने के लिए पास में बेल आइकन हो उसमें भी क्लिक कर देना। फिर से मुलाकात होंगे आप लोगों का सर नए वीडियो रेसिपी लेकर, तब तक बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।